वेलकम टू मंदारण एकेडमी। डियर स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में हम काफ़ी एक्साइटेड चीज़ें देखे हमारे हैं, वह है जनरल सॉल्यूशन। देखो, दो सॉल्यूशन आता है, एक आता है पर्टिकुलर, एक आता है जनरल। जनरल सॉल्यूशन में जो आर्बिट्री कांस्टेंट है वो पता नहीं होता, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट की जगह एक फिक्स्ड वैल्यू रहती है। अब आर्बिट्री कांस्टेंट होता क्या है, मैंने इंटीग्रेशन में बताया, मैं फिर से बताता हूँ। इस दुनिया में दो टाइप के कांस्टेंट है, एक कोई कहता है फिक्स्ड कांस्टेंट, दूसरा होता है आर्बिट्री कांस्टेंट। फिक्स्ड कांस्टेंट मतलब जैसे 4, नंबर 5, नंबर 6, पाई, पाई मीन्स 180 डिग्री, ठीक है, और पाई मीन्स 22/7, रफली 3.14 रफली। ई ई भी एक नंबर है, फिक्स्ड वैल्यू है। नंबर 10, नंबर 10 तो नंबर 10 ही है। तो ये फिक्स्ड कांस्टेंट है। एक होता है आर्बिट्री कांस्टेंट, जैसे सी ए बी, तो ए क्या है पता नहीं है, ठीक है, बी क्या है पता नहीं है, बी कुछ भी हो सकता है, देर आर मल्टीपल पॉसिबल आंसर, ठीक है, तो जगह से जगह वो बदलेगा, ठीक है। एम क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन क्या आता है, कुछ भी आ सकता है, 45 डिग्री आ सकता है, 10 45, 10 60, व्हाटएवर। सो इसमें जो भी सॉल्यूशन मिलेंगे ना बच्चा पार्टी, उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट ए बी सी रह सकता है, वो एग्जैक्ट नहीं रहेगा। अगली बार जब पर्टिकुलर निकालेंगे तब एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, यही मेजर डिफरेंस था। अब काम की बात, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। देखो, इक्वेशन से डिफरेंशियल कैसे मिला, इक्वेशन का डेरिवेटिव मारा, कांस्टेंट को किल किया, डिफरेंशियल मिल गया। अब इसका इंटीग्रेशन लेंगे, वापस इक्वेशन मिल जाएगा। तो जनरल सॉल्यूशन अगर अपने को मांगता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि डेरिवेटिव से आया, अब एंटी डेरिवेटिव चाहिए। इक्वेशन डेरिवेटिव जो मिला, अब इसका एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो क्या मिल जाएगा, वापस से इक्वेशन, ठीक है। जैसे पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, इक्वेशन से डीई बाय टेकिंग डेरिवेटिव, अब लेंगे एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या, इंटीग्रेशन। तो क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, दिस इज अ सिंपल टाइप वन। वन माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला पता है, सही बोला, हमने ये लिमिट्स में भी पढ़ रखा है, हमने इंटीग्रेशन में भी पढ़ रखा है। वन माइनस कॉस होता है 2 sin² θ/2, वन प्लस कॉस होता है 2 cos² θ/2। सो 2 2 कट हो जाएगा, साइन स्क्वेयर अपॉन कॉस स्क्वेयर कितना होता है बच्चों, 10 का स्क्वायर होता है, क्लियर है क्या। अब dx इधर भेजो, क्योंकि देखो x की कास्ट वालों के साथ, y की कास्ट वालों के साथ, क्योंकि इंटीग्रेशन x और y का नहीं ले सकते, तो dx इधर उचका दिया। सो dy इज इक्वल टू 10² x/2 dx। अब टेक इंटीग्रल बोथ साइड, सो इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1, क्योंकि देखो 1 dy है ना, आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ 10² x/2 dx। ना 1 का इंटीग्रेशन x का, 1 का अगर x के रिस्पेक्ट में रहता था तो x आता था, यह जाएगा 1y, ठीक है। अब यहाँ पे 10² का इंटीग्रेशन नहीं दिख रहा है, क्योंकि 10 का डेरिवेटिव sec square आता है, तो 10² को sec square बना सकते हैं क्या, yes, क्योंकि देखो 1 + 10² क्या होता है, sec square के बराबर, ठीक है। तो 10² को लिख सकते हैं sec² x/2 - 1, ठीक है। आगे कूल, आगे का सीन देखते हैं क्या हो रहा है। टेन का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, ठीक है, sec का sec 10, तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो इधर आएगा tan x/2। एंटी डेरिवेटिव ऐसे ही निकालते हैं ना, फॉर्मूला देखे थे लीनियर रूल से, 1/2 इधर, 1 का इंटीग्रेशन 1x। अब देखो इंटीग्रेशन दोनों साइड लिया है, या तो प्लस सी इधर दो या तो इधर दो, कहीं पे भी दो फर्क नहीं पड़ता है। सो दिस इज हाउ माय फाइनल आंसर इज। सो हमने देखा कुछ दम नहीं था इस पे, नई चीज ये थी कि डेरिवेटिव लिया था इक्वेशन का तो डिफरेंशियल मिल गया, अब वापस से एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो इक्वेशन मिल जाएगा। देख पा रहे होंगे सी है, सी पता नहीं है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सी मिलता है, तो वेट करो, क्योंकि अब इस वीडियो में हम जनरल सॉल्यूशन देख रहे हैं। आपने देखा डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन मिक्स है डिफरेंशियल में, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द चैप्टर। मैं आपको पूरे दिल से पढ़ाऊंगा ईच एंड एवरी क्वेश्चन, फोकस और अटेंशन बनाए रखें। क्वेश्चंस मैंने चूज करे हैं, ऑल द क्वेश्चन आर ऑसम क्वालिटी क्वेश्चन, हैव अ नोट ऑफ इट। और
ट्राई टू सॉल्व बाई योर सेल्फ फर्स्ट, टेक 60 सेकेंड्स, देन नहीं आता है यू कैन वॉच द वीडियो, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देना चाहिए. तो जब मैंने इसको यहाँ शिफ्ट किया ये कुछ ऐसा आ गया और dx को इधर ले लिया. टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड. नाउ एक चीज देखो, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स का लग रहा है, तो ये जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x बाय a. ठीक है, वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, खत्म. तो कुछ भी नहीं था, एक्स वाले आइटम एक्स के साथ रखे, वाई वाला आइटम वाई के साथ रख गया और हो गया. अब आप सोचो कि सर क्या हर बार ऐसे ही होगा कि एक्स के एक्स वाले आइटम एक्स के साथ जाएंगे, वाई वाले आइटम वाई के साथ जाएंगे? नहीं रे बाबू मोशाय, कभी कभी ऐसा नहीं होगा. तो उसके लिए अलग टेक्निक है, बट फिलहाल क्वेश्चन के लेवल में वो आया नहीं है, आगे आएगा. अगर आपके माइंड में ये ख्याल आया है कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत होशियार हो यार, बहुत टैलेंटेड बच्चे हो, रियली टैलेंटेड. तो इधर नोट डाउन कर लो, वो आगे आएगा, ठीक है, आने वाला है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक्स और वाई सेपरेट ही होगा. ठीक है, तो उसमें क्या होगा, क्या ट्विस्ट होगा, उसके लिए थोड़ा सा एक्साइटेड रहो. फिलहाल के लिए हैव अ नोट ऑफ इट. सी थर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने. पहले तो मुझे ऐसा लगता है वाई उधर भेज दो, हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स वन माइनस वाई. अब वेरिएबल सेपरेशन करना पड़ेगा, वाई वाले वाई की तरफ रखो, एक्स वाले एक्स की तरफ. अब वेरिएबल अपने तरफ चले गए, अब इंटीग्रेशन लो दोनों साइड. सो लॉग, इसका इंटीग्रेशन जाएगा लॉग ऑफ 1 माइनस वाई, वन का इंटीग्रेशन x, यहाँ लीनियर रूल से नीचे माइनस वन प्लस सी. सो दिस इज अवर फाइनल आंसर. काफ़ी इजी था, आपने देखा इंटीग्रेशन चल रहा है और कुछ खास नहीं हो रहा है. प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट. देखो फोर्थ क्वेश्चन है, उसके पहले ना मुझे इसको इस तरह भेजना पड़ेगा, और यहाँ पे x और y है, x और y मिक्स है. तो सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, सेक्स स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स को इधर ही रहने देते हैं, उसको उधर भेजा तो हो जाएगा माइनस सेक्स स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई. ठीक है, इधर आ जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स टेन एक्स, इधर भेजा डी एक्स तो इधर है ही, इधर है माइनस सेक्स स्क्वायर वाई टेन वाई डी वाई. अब क्या कर सकते हैं, हम दोनों साइड इंटीग्रेशन ले सकते हैं, क्योंकि देखो इधर एक्स एक्स वाली चीज है, इधर वाई वाई वाली चीज है. ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको इंटीग्रेशन में एक चीज सिखाई थी, वो ये थी कि अगर ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है, क्या सिखाया था, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है और नीचे एक फंक्शन है, इट कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, मैंने आपको सिखाया था. ठीक है, टेन का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर, टेन का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ टेन एक्स. ऑफकोर्स मॉड आएगा क्योंकि नेगेटिव के लिए लॉग एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो ये खत्म हो चुका है, इधर बेच के लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग ऑफ एन टू बी करना चाहो कर सकते हो, बट इतना भी चलेगा. आपने देखा काफ़ी इजीली हो गया, डेरिवेटिव ले रहे थे तो डी बन रहा था, इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो वापस इक्वेशन मिल रहा है. प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट.
नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वन. सबसे पहले तो y के साथ x है, x के साथ x है, तो पहले तो अपने को क्या करना है, दोनों को सेपरेट कर देना है. इधर आ जाएगा e की पावर में x माइनस एक्स डी वाई, जाएगा e की पावर में x, इधर जाएगा डी एक्स. इसको उधर लेके जाओ. रीज़न क्या है बताऊँ? क्योंकि x वाली चीज़ें x की तरफ, y वाली चीज़ें y की तरफ. अब इंटीग्रेशन लो. सो नेक्स्ट स्टेप में अपन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिख दूं. तो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, कुछ नहीं है तो वन है ना, जीरो तो नहीं है बच्चों. ई रेस टू एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स. अब इसका आंसर रहेगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर. क्यों मैं बताता हूँ, मुझे एक बात बताओ. डिनोमिनेटर क्या है, मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स है, जो कि ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स. इसका डेरिवेटिव बताओ. ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, बट एक्स था क्या, एक्स नहीं था, तो यही तो ऊपर है. सो जब कभी भी मैंने बताया इंटीग्रेशन में ऊपर डेरिवेटिव हो नीचे फंक्शन हो, तो आंसर आता है लॉग ऑफ फंक्शन. और आप लिख सकते हो, बोल सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. सो वन का इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी. तो काफी मजेदार सवाल था, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट. देखो सिक्स्थ सवाल है, पहले तो एक्स और वाई को सेपरेट करना पड़ेगा. तो मैं क्या कर देता हूँ, डी वाई इधर रहने देता हूँ, इधर आ जाएगा वन बाय वाई स्क्वायर, और डी एक्स इधर भेज देता हूँ वन प्लस एक्स. नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, वन अपॉन वन अपॉन है ही नहीं इधर, कुछ अपॉन व अपॉन है ही नहीं, ये टैन इनवर्स का फॉर्मूला है. वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, अभी वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर. वन का इंटीग्रेशन एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी. तो इट वॉज अ रियली गुड वन, आई होप आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है. कुछ भी नहीं था, एक्स वाले आइटम एक्स के साथ, वाई वाले आइटम वाई के साथ इंटीग्रेशन ले लिया, प्लस सी कोई भी एक जगह ले लो. Please have a note of it. सेवंथ क्वेश्चन, इट्स अ रियली सिंपल वन. एक चीज आप ख्याल में रख लो, वो ये कि पहले तो वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ेगा, इस भयंकर चीज का इंटीग्रेशन नहीं ले सकते. तो मैं y log y एक तरफ रखता हूँ, dx इज इक्वल टू एक्स डी वाई. तकलीफ की बात यह है कि ये dx है, ये x है, ये dy है, इधर y है. y वाले आइटम एक साथ, x वाले आइटम एक साथ रख देते हैं, ये ऐसा आ गया. ठीक है, अब क्लियर है पिक्चर. अब इंटीग्रेशन लेना है. सो लेट्स टेक द इंटीग्रेशन. एक चीज मुझे नोटिस हो रही है कि लॉग एक्स का इंटीग्रेशन, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स. अब इधर क्या सीन हो रहा है, इधर आ रहा है सब्सटीट्यूशन. देखो मैं बताता हूँ कैसा है. सो यह है इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन वाई लॉग वाई टी वाई. सो इफ यू पुट लॉग वाई इक्वल टू टी और इसका डेरिवेटिव लो, तो आ जाएगा वन अपॉन वाई डी टी अपॉन डी वाई. डी वाई इधर जंप मार के ले लो, तो वन अपॉन वाई डी वाई हो जाएगा डी टी.
तो ये पूरी चीज हो जाएगी डीटी, और ये हो जाएगा वन अपॉन टी, इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग टी, टी क्या है बताओ तो, लॉग लॉग वाई, तो हो जाएगा लॉग ऑफ लॉग वाई प्लस सी। एक और लॉजिक है, वन अपॉन वाई ऊपर भेज दो, एक्चुअली ऐसा ही है ना, ठीक है। अब मुझे बताओ ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो आंसर आएगा लॉग ऑफ लॉग वाई। सो इट वाज अ रियली गुड क्वेश्चन, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। देखो एट्थ क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ, इट इज अ इजियर वन। पहले तो डी वाई इधर रहने दो, ठीक है। अब ये इस तरफ आ जाएगा वाई रेज टू फाइव, माइनस कोई भी एक साइड ही रखेंगे अपन, ठीक है। वाई रेज टू फाइव ऊपर भेजो, पावर नेगेटिव हो जाती है तो अपने को पता है। आई थिंक आगे का इंटीग्रेशन आप ले सकते हो, सो इफ यू टेक द इंटीग्रेशन वाई रेज टू माइनस फाइव प्लस वन अपॉन माइनस फाइव प्लस वन, एक्स रेज टू माइनस फाइव प्लस वन अपॉन माइनस फाइव प्लस वन प्लस सी, दैट्स इट। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव बिफोर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन दोनों का इसमें यूज होने वाला है। नाउ यू शिफ्ट यू शिफ्ट dx टू अदर साइड, हो जाएगा साइन इनवर्स x dx। जैसे कि आप सब जानते हो अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन से वापस इक्वेशन चाहिए, वी विल टेक द इंटीग्रेशन। सो यहाँ पे वन डी वाई है, ये देखा रहे देखा मुझे याद आता है लोनर रूल और अलोन रूल, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स इंटू समथिंग है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लोनर रूल का अप्लाई करेंगे, तो एल आई, तो ये है यू, ये है वी, ठीक है। ये इंटीग्रेशन में पार्ट से हमने इंटीग्रेशन में पढ़ रखा है, ये आ जाएगा वाई, साइन इनवर्स एक्स बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ वन यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डीएक्स और पूरे का डीएक्स। इंटीग्रेशन में पार्ट्स पे ऑलरेडी मैंने बेसिक बना रखा है, दिस इज नॉट अ टाइम टू टेल यू इंटीग्रेशन में पार्ट्स। वन का इंटीग्रेशन एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन का इंटीग्रेशन एक्स dx। Now it's not a complete solving, ठीक है, we need to solve this thing। मैं इधर सॉल्व करता हूं पर्सनली, सो लेट्स से दैट इज i1, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, आई थिंक सब्स्टिट्यूशन विल वर्क आउट ओवर हेयर, सो मैं क्या करता हूँ 1 माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेता हूँ। तो एक काम करते हैं, ये वाला माइनस भी दे देते हैं उसको। If you put it as t, तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस टू एक्स टी का dt टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स उचक के इधर आ जाएगा तो माइनस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। इतनी पिक्चर क्लियर है तो मुझे बताओ माइनस टू एक्स डी एक्स क्या है, dt है। तो एक काम करो, यहाँ अंदर और बाहर 2 दे दो, और ये पूरी चीज माइनस टू एक्स डी एक्स dt बनने को तैयार है। सो हमारा i1 क्या होगा, डी टी वन अपॉन रूट टी, ठीक है। अब आई वन तो आई वन ही है, एक काम करो ये टू अंदर दे दो, मुझे बताओ रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। सही बोला, रूट एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट एक्स, तो ये रूट टी हो जाएगा प्लस सी।
अब टी क्या था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस सी। तो बेसिकली आई वन आ चुका है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो हम लिख देते हैं y इक्वल टू माइनस, तो हमने यूटिलाइज कर लिया है ना dx, सो दिस इज हाउ वी एंडेड अप द क्वेश्चन, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। देखिए टेंथ क्वेश्चन, पहले तो अपने को वेरिएबल सेपरेट करने पड़ेंगे, एक्स है वाई है, एक्स है वाई है मिक्स है, तो किसी भी एक को उस तरफ भेजो, इट्स योर पर्सनल चॉइस। तो ई रेज टू एक्स टेन वाई डी एक्स मैंने इधर ही रहने दिया, इसको उधर भेज दिया तो हो जाएगा 1 माइनस ई रेज टू एक्स सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई। अब मैंने इधर ले लिया ई रेज टू एक्स डी एक्स, ये मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये माइनस इसको मिला तो हो जाएगा ई रेस टू एक्स प्लस वन, और टेन वाई उधर भेज दो, सोने पे सुहागा, टेन का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर होता है, बट देखते हैं आगे की किस्मत में क्या लिखा है। इंटीग्रेट बोथ साइड, एक्चुअली ये लिख के बता रहा हूं बट यहां पे भी लिख सकता था क्योंकि बोर्ड्स पे उतनी जगह नहीं है ना, इसके लिए मैं बार बार डायरेक्टली लिख रहा हूं, आपको पूरी स्टेप ही लिखनी है। देखो आंसर तो आ चुका है, आपको भी पता है मुझे भी पता है, बट फॉर्मेलिटी है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं पूरा डिटेल में बताओ। ई रेस टू एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव ऊपर है तो हो जाएगा लॉग ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस वन, टेन का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर ऊपर है तो हो जाएगा लॉग ऑफ टेन वाई। क्या यूज किया हमने कंसेप्ट, कंसेप्ट यूज किया हमने कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स की बात चलती है तो वो हो जाएगा लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। समझ में आ रही बात कि नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव, आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ फंक्शन। ठीक है, एक और फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में, वो है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और इधर है रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये आता है टू रूट ऑफ फंक्शन, बट जाने दो इसको याद नहीं रखा तो भी चलेगा, इतना याद रखो ये तो कॉमन ही है, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट।